देश में नकली सामानों की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार ने गोल्ड और मोबाइल की स्मगलिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन नकली सामानों को रोकने के लिए कोई असरदार योजना अभी तक अमल में नहीं आई है। ऐसे में इस बार के बजट में सरकार से उम्मीद है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले इस गंभीर खतरे पर कोई कदम उठाएगी। ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अनुमान क्रिसिल और ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक देश में बेचे जाने वाले सभी उत्पादों में से 25-30% नकली होते हैं। 2019-20 में नकली सामानों का बाजार 2.6 लाख करोड़ रुपए का था और ये लगातार बढ़ रहा है। नकली सामानों की सबसे ज्यादा समस्या कपड़ों और FMCG के सेक्टर में है। इसके बाद फार्मा, ऑटोमोटिव और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी नकली सामानों की समस्या है। अगर अलग सेक्टर्स की बात करें तो 31% के साथ नकली प्रोडक्ट्स के मामलों में कपड़ों का सेगमेंट पहले नंबर पर है। इसके बाद 28% के साथ FMCG, 25% के साथ ऑटोमोटिव का नंबर आता है, जहां ग्राहकों को खरीदारी करते समय नकदी उत्पाद मिलते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर नकली की समस्या सब पर भारी पड़ती है। इनमें शामिल है फार्मास्यूटिकल्स, जहां 20% नकली सामान है। इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 17% और एग्रोकेमिकल्स में 16% नकली सामान है। इसके साथ ही एक समस्या यहां पर जागरूकता की है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 27% ग्राहक इस बात से अनजान है कि जो प्रोडक्ट्स वो खरीदते हैं वो नकली हैं। हालांकि 31% लोग जानते बूझते हुए नकली सामान खरीदते हैं। इस रिपोर्ट में जिन 12 शहरों को शामिल किया गया है उनमें दिल्ली, आगरा, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोलकाता, पटना, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के मुताबिक नकली सामान केवल लग्जरी प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है। जीरा से लेकर खाना पकाने के तेल और बच्चों की देखभाल के सामान से लेकर दवाओं तक नकली सामानों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।